गुलाम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सालों स्वतंत्रता संग्राम चला। घर घर से युवा, जोश, महिलाएं और बुजुर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बने। नरम और गरम दलों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों से भारत से बाहर कर देने में अहम भूमिका निभाई। सालों से गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। वही कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ नायकों की कहानियां लेकर आए हैं। भारत की आज़ादी में कई लोगों का विशेष योगदान है। उस दौर में जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश लिया और फिर राजा महाराजाओं की रियासतों पर कब्जा करते हुए देश की सत्ता को काबिज हो, तब से देश की मिट्टी पर कई महानायकों का जन्म हुआ जिनका एकमात्र लक्ष्य देश की आज़ादी था। भारत के विकास, देशवासियों की खुशहाली के लिए वो लगातार कार्य करते रहे। इस आज़ादी के मौके पर जानिए आज़ादी के 5 महानायकों के बारे में जिनकी भूमिका और योगदान इतिहास में दर्ज है। ये रही आज़ादी के 5 महानायकों की कहानी। सबसे पहले हैं अल्लूरी सीताराम राजू। 1887 में आंध्र प्रदेश में एक समृद्ध परिवार में जन्मे राजू ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने सारे सुख छोड़ दिए। 1922-24 में उन्होंने आदिवासियों की मदद से लिए रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजू स्थानीय लोगों के लिए जंगलों के नायक थे। 1924 में अपनी बगावत के कारण वो अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और शहीद हो गए। अगले आते हैं मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा गांधी बूढ़ी के नाम से प्रख्यात थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का हिस्सा थी। एक जुलूस के दौरान उन्होंने 3 बार गोली चलाने के बाद भी भारतीय ध्वज नहीं छोड़ा और निर्भीक होकर आगे बढ़ती रही। उनकी जुबान पर वंदे मातरम का नारा और आंखों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। अगले आते हैं हमारे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा ने भारत की आज़ादी के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी की अध्यक्षता की थी। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। 16 नवंबर 1915 को महज 19.5 साल की उम्र में वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। अब आती है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ को वीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में बारंगबाड़ी में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी की। 20 सितंबर 1942 ईसा पूर्व का दिन था। वो तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने के इरादे से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उनके ग्रुप पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। इसी दौरान एक गोली कनकलता बरुआ को लगी और वो शहादत को प्राप्त हुई। अब आती हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद की जाती है। 1930, 1932 और 1941 में अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 87 साल की उम्र में 29 जुलाई 1996 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थे कुछ ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया जिसका कर्ज हम सब मिलकर भी नहीं चुका सकते हैं। हालांकि इनको याद करके इन सभी को श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।